नमस्कार दोस्तों, वंस मोर आनंदपुरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई वीडियो और उस वीडियो में आज हम सीखेंगे तबले का लेसन। जी हाँ दोस्तों, जो आज का हमारा तबले का लेसन है वो है तीन ताल में रीला। दोस्तों जो रीला है, जो पुराने पुरखे थे हमारे, तबला वादक थे, अच्छे उस्ताद लोग थे, जब भी कोई किसी को चीज़ को देखते थे तो वो उससे तबले पे बजाने की कोशिश करते थे। जैसे उन्होंने घोड़ा देखा तो घोड़े की ताल बना दी, अगर घोड़े के पाँव के साउंड सुना, घोड़े के पाँव को चलते हुए, तो उनके पाँव की आवाज़ तबले पे निकालने की कोशिश की। तो वैसी जो रेला है दोस्तों, ये रेल से मतलब उन्होंने बनाया है। तो रेले का मतलब जो रेल की भांति तेज दौड़ता हो, रेल की भांति जो शब्द, जो वर्ड, जो बोल तबले के तेज दौड़ते हो, उसे रेला कहते हैं। तो दोस्तों जो आज का हमारा रेला है वो तीन ताल में है। मैं सबसे आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो अपडेट नए के नए आते हैं वो पहले पहुंचे आपके पास, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों चलते हैं हम वीडियो की ओर। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो दोस्तों जो रेले के बोल है वो है धिट धिट किट तक तक तिट किट तक तिट तिट किट तक तक तिट किट तक। दोस्तों अगर इस बोल आपको समझ नहीं आए, तो दोस्तों अगर आपको बोल ये समझ नहीं आए, आप डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में ओपन करके वहां से नोट करके इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपके पास तबला है तो आप मेरे साथ अभी बैठ सकते हो, अगर नहीं है तो आप पहले वीडियो देखिए फिर बाद में इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों जो रेले के बोल है वो ऐसे बजेंगे, आपको बजाना है धिट धिट किट तक, धिट धिट किट तक, ये पहली चार मात्राएं हैं। धे, यहां पे हम ते बजाते हैं, प्लस गे गे, धिट धिट, ये पंजाब घराने का जो रेला है, काफी वजनदार बोल है, इसमें आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी ताकि जो सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। ठीक है, धिट 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 किट तक, ठीक है, धे तो धे तो के तो तक तक, आपको नीचे बजाना है यहां पे, ठीक है, धिट धिट किट तक, धिट धिट किट तक, फिर से देखें, धिट धिट किट तक, फिर धिट धिट किट तक, फिर आपको तक धिट किट तक, ये अगली चार मात्रा हैं, तक धिट किट तक, तक तिट किट तक, अब टोटल आठ मात्राएं बन गई, धिट धिट किट तक तक तिट किट तक, ठीक है, धिट धिट किट तक तक तिट किट तक, धिट धिट किट तक तक तिट किट तक। अब हम इसको खाली में बजाएंगे जैसे तीन ताल में होता ही है। पहले हम धा दिन दिंदा बजाते हैं, फिर उसमें जो तेरहवीं मात्रा है वो ता तिन तिनता से होती है, वैसे हम धिट धिट को फिर तिट तिट में बजाएंगे, तिट 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 किट तक, तक तिट किट तक। अब जी 16 मात्रा हो गई, धिट धिट किट तक तक तिट किट तक, और तिट तिट किट तक तक तिट किट तक, ये टोटल 16 मात्रा है। और ये तीन ताल का जो रेला है पंजाब घराने में से है, और आप इसकी अच्छे खूब से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम इसे थोड़ा सा तेज लय में बजा के देखेंगे, आपको इसकी ऐसे स्लो स्लो प्रैक्टिस करनी है।
हर 5 मिनट के बाद आप इसकी लय को इंक्रीज करें। आप इसकी 15 मिनट तक प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि जी आपके हाथ में अच्छी तरह से आ जाए और इसके जो बोल वजनदार है वो एक एक बोल आपका शुद्धता की भांति बजे। ठीक है, ये ऐसे बजेगा। ठीक है, दोस्तों जो इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं, पहले जब आपको धिट बजाना है तो इस उंगली से बजाना है, धिट धिट ऐसे धिट धिट। अगर आप ऐसे दो उंगलियों में नहीं बजा सकते तो आप इसको खुला भी छोड़ के दो बार धिट धिट बजा सकते हो, जैसे धिट धिट। ठीक है, अगर आप दो बार नहीं बजा सकते, अगर आप दो बार बजा सकते तो सबसे बढ़िया है। ठीक है, नहीं तो आप आपका हाथ गजरे के बाहर ना जाए जब आप धिट बजाना है। धिट आपका हाथ ऐसे खुले ना, आपका जो हाथ है ऐसे खुले ना जब आपको बजाना है, तो आपकी स्थिति हाथ की ऐसी होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो जे गजरे के साथ ये हाथ का जो एरिया है वो भी आपको यहाँ पे गजरे के साथ नहीं लगना चाहिए, जैसे नहीं तो आपकी लय इंक्रीज नहीं होगी। तो दोस्तों जी इसके बोलों में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, टिट टिट किट तक तक टिट किट ता, टिट टिट किट तक टिट किट ता ऐसे बजने लग जाएगा अगर लास्ट में के नहीं लगाते। तो देखिए फिर से, डिट डिट आपको इसकी हर रोज 15 मिनट प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों जी मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास दिन में कुछ समय है तो वो तबले को दीजिए, संगीत को दीजिए, क्योंकि जब आप कुछ सीख रहे हो, आपके पास कोई गुण है, कोई आप तबले की आप अच्छा वादन करते हो, तो आप उस गुण को ऐसे व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि समय ही सबसे बलवान है। तो दोस्तों मैं आपसे अब विदा लेता हूँ नई वीडियो के साथ, फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।